अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का हमारा प्लान है ईरान जाने का, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो हम अभी इस वक्त जा रहे हैं यूसुफ गोट बस टर्मिनल, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच कर आपको आगे की डिटेल बताएंगे। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं यूसुफ गोट बस टर्मिनल में। तो अभी यहां से इंटर होके अंदर जाएंगे। ये यूसुफ गोट बस टर्मिनल का मेन एंट्रेंस है, जो कि अभी 50 रुपये हम इसको दे के इंटर होंगे अंदर। फिर इंशाल्लाह वहां बस पर बैठ के जल्द आगे की तरफ जाएंगे। फिर आपको ब्रीफिंग देते रहेंगे, पूरी रास्ते की वीडियो आपको बना के दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे, आपको मज़ीद बताते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो है ना नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो गाइस हम फाइनली यहाँ ट्रांसपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। अभी बस इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे रमजान बॉर्डर की तरफ। तो गाइस, हमारे सफ़र का आगाज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कि मतलब रात के 8:30 बजे हमारी बस रवाना हुई रमजान बॉर्डर की जानिब, जो कि हमने पशनी और कुनमल्लीर से होता हुआ हम पहुँच चुके हैं सुबह फजर के तकरीबन नमाज के फौरी बाद रमजान बॉर्डर। तो मज़ीद हम इस आपको बताते रहेंगे, ब्रीफिंग देते रहेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी ये शहर जो है ये ग्वादर शहर है। अभी हम ग्वादर में पहुंच चुके हैं, फौरी फजर की नमाज के बाद हम ग्वादर पहुंचे। तो ग्वादर से अभी तकरीबन 1/2 घंटे की दूरी पर है रमजान बॉर्डर। तो हम रमजान बॉर्डर पे पहुँच कर हम आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। फिर इंशाल्लाह वहाँ से हम ईरान इंटर होंगे। फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं अपने सफ़र के मतलब एंड में, वीडियो के एंड में। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ ग्वादर सिटी से होता हुआ रमजान की बॉर्डर जाने जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच कर वहाँ की भी सीन आपको बताएंगे। फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बस हम आपको पहुँच कर रमजान बॉर्डर मज़ीद बता देंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ रमजान बॉर्डर पहुँच चुके हैं, जो कि पसनी और कुनमल्लीर से होता हुआ हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं रमजान बॉर्डर में, जो कि अभी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखा दूँगा ईरान और पाकिस्तान का फ्लैग।
अभी हम लोग यहाँ से होता हुआ ईरान जाएंगे, ईरान बॉर्डर को क्रॉस करके ईरान एंट्री करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको पूरा ईरान का ट्रिप दिखाएंगे। तो हम लोग ईरान बॉर्डर में पहुँच चुके हैं, रमदान बॉर्डर। तो इंशाल्लाह ये देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ पाकिस्तानी फ्लैग है, जो कि राइट साइड की तरफ ईरानी फ्लैग है। तो इंशाल्लाह हम आगे चलकर आपको मज़ीद बताएंगे, ठीक है। तो ये अलमुमताज बस टर्मिनल है जो कि रमदान बॉर्डर में है, तो हम इसी बस पे आए हैं रमदान बॉर्डर। तो कल शाम 7:30 बजे हम लोग कराची टर्मिनल यूसुफ़पुर से निकले ईरान की तरफ। तो इस टाइम तकरीबन हम सुबह 7:30 बजे रमदान बॉर्डर में पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं अलमुमताज ट्रांसपोर्ट में। तो इंशाल्लाह हम आगे चलकर आपको आगे की भी वीडियो बना के दिखाएंगे, ठीक है। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे पाकिस्तानी फ्लैग भी है और ईरानी फ्लैग भी है। तो आगे चलकर हम आपको मज़ीद बताएंगे, ठीक है। So guys, welcome to Iran. My first impression to visit in Iran. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ ईरान के अंदर अभी। लास्ट शहर है छोटा सा, वहाँ पे मौजूद हूँ। तो ईरान की टूर चल रही है, इंशाल्लाह हम आपको बताते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं पहुंच चुका हूं ईरान, अभी ईरान के अंदर हूं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ईरान की पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ईरान की, उन तक पहुँचती रहेगी, ठीक है।